नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 11 मई 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज और आज क्विज में प्रश्नों की संख्या है 17। पहला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की गई? पैडल फिश को किस देश में विलुप्त घोषित किया गया? भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? किसान नवोन्मेष कोष के अंतर्गत एक केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? फवाद मिर्जा किस खेल और राज्य से संबंधित है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। सेफ वुमेन पहल की बात करते हैं तो इसे शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। पैडल फिश ये विलुप्त घोषित कर दी गई है चीन देश से। कहां से? चीन से ये विलुप्त घोषित की गई है। भारत का जो पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है यह बिहार राज्य के भागलपुर में बन रहा है। किसान नवोन्मेष कोष के अंतर्गत एक केंद्र की स्थापना ये की जा रही है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में एक केंद्र की स्थापना की जा रही है। और फवाद मिर्जा की बात करते हैं तो ये एक घुड़सवार हैं और इनका राज्य है कर्नाटक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, फवाद मिर्जा भारत के एक घुड़सवार हैं। फॉक्स वैगन किस देश की कंपनी है? गे राइडर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख हैं? जैक डॉर्सी किस कंपनी के CEO हैं? मधु ऐप किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? रोटावैक 5D जो कि एक दवा है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? भारत के द्वारा किस देश को निगरानी पोत यानी कि जो हमारा सर्विलांस करता है, तो एक पोत है जिसका नाम है कामयाब, यह किस देश को भारत ने दिया है? और खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्लॉगिंग अम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो आइए इनके उत्तर जानते हैं। फॉक्स वैगन कंपनी की बात करते हैं तो ये है जर्मनी की। कहाँ की? जर्मनी की ये कंपनी है। गे राइडर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। जैक डॉर्सी की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 28 मिलियन कोविड-19 के लिए दान दिया है, यानी कि $1 बिलियन इन्होंने दान दिया है। और ये CEO इसके अलावा सह संस्थापक हैं ट्विटर कंपनी के। मधु ऐप ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। किसने? उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया है मधु ऐप। रोटावैक 5D की बात करते हैं तो इस दवा का निर्माण किया है भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और भारत बायोटेक के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके द्वारा कोरोफ्लू नाम से एक वैक्सीन बनाई जा रही है कोविड-19 के लिए। भारत के द्वारा जो कामयाब नाम का पोत है ये दिया गया है मालदीव को। किसे? मालदीव को ये दिया गया है। और मालदीव से जो भारत के लोग हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की भी शुरुआत की गई है। खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्लॉगिंग एम्बेसडर के रूप में नामित किए गए हैं रिपुदमन बेबली। तो ये आपको याद रखना है। और खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो ये है किरण रिजिजू। ब्रैक किस देश का एक NGO है? इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? किस राज्य की सरकार के द्वारा ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर की शुरुआत की गई? BBC पोल में किसे ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द ऑल टाइम चुना गया? और मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। ब्रैक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक NGO है बांग्लादेश का। और अभी जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ NGO की लिस्ट जारी हुई थी उसमें ब्रैक एक बार फिर से रहा था पहले स्थान पे। इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार दिया गया तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहीं PV सिंधु और लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यहां पर मिला है। इनका नाम है PT उषा। क्या नाम है? PT उषा। और PT उषा का उपनाम क्या है, किस खेल से ये संबंधित हैं, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर की शुरुआत की है महाराष्ट्र की सरकार ने। BBC ने जो पोल कराया जिसमें ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया तो ये चुने गए हैं भारत के महाराजा रणजीत सिंह। और मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ये रहा आपका क्विज। कितने आपने सही किए वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और अब जानते हैं वुहान वायरस अपडेट। दुनिया में इस समय तक 41,59,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2,82,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है इस वायरस से। यूएसए सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे और यूके है तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, और कल की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति दर्ज किए गए। कुल मिलाकर के 4296 नए मामले भारत में आए हैं, 2,212 लोगों की डेथ हो चुकी है और महाराष्ट्र में अकेले संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 22,000 के ऊपर पहुंच चुका है। दूसरे स्थान पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तो ये रहा COVID-19 अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। और ये है करंट अफेयर का ऐप, तो इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ PDF भी आपको मिल जाया करेगी, और इसके अलावा यहाँ पर आप क्विज भी दे सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तंत्र ज्ञान दिवस, या इसे हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के नाम से भी जानते हैं, तो ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह दिवस 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1998 की बात है, 1998 में 11 मई के दिन भारत के द्वारा ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत एक हमारी परमाणु मिसाइल थी जिसका नाम था शक्ति प्रथम, इसका राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किया गया था। और इसी अवसर पर दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है उसको चिन्हित करने के लिए और युवाओं को विज्ञान को एक करियर के रूप में चुनने के लिए जागरूक किया जाता है इस दिवस के अवसर पर। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने अगले 2 वर्षों में सड़क निर्माण में कितने रुपये निवेश का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है 15,00,000 करोड़ रुपए का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर रोड परिवहन और हाईवे मंत्रालय, इसके साथ साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के बीच में एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि रोड परिवहन और हाईवे मंत्री हैं, इनके द्वारा घोषणा की गई कि भारत सरकार अगले 2 वर्षों में सड़कों के निर्माण के लिए 15,00,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। और अभी रोड परिवहन और हाईवे मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गति। और नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? तो ये है नागपुर में। केंद्र सरकार ने पशुपालन व डेयरी उद्योग की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के लिए कितने स्टार्टअप को सम्मानित किया? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सम्मानित किया गया है 12 स्टार्टअप को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो अवार्ड हैं वह हमारे मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा दिए गए। साथ ही साथ जो हमारा डेयरी पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय है, इसने स्टार्टअप इंडिया के साथ में मिलकर के स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज भी लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 12 स्टार्टअप को ये पुरस्कार दिया गया। किस राज्य की सरकार ने संजीवनी वाहन को लॉन्च किया? तो ये जो संजीवनी वाहन है इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है छतरपुर, तो छतरपुर जिले में इसे लॉन्च किया गया है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर डॉक्टर के ऊपर हमले भी हुए थे और कई बार लोग चेकअप कराने से मना कर देते हैं। तो अब यह एक प्रकार का वाहन है जिसमें डॉक्टर या जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी है वह बैठे रहेंगे, और इसमें लगा हुआ है एक कैमरा, इसके अलावा इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर। तो इसके माध्यम से जो भी संदिग्ध व्यक्ति होगा उसकी फोटो कैप्चर की जाएगी और साथ ही साथ उसका तापमान भी यहां से मेजर कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अभी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। जैसे कि एक योजना है जिसका नाम है COVID-19 योद्धा कल्याण योजना, ये शुरू किया गया है। इसके अलावा जीवन अमृत योजना भी शुरू की है, मिशन जीवन शक्ति की भी शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और उमरिया की पुलिस के बारे में आपने सुना होगा कि इसने वृद्धजनों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू की, और मिड डे मील की सेवा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। राजधानी यहाँ की है भोपाल में, यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। किस वित्तीय संस्थान ने
अफगानिस्तान को 400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो यहां पर मंजूरी दी है विश्व बैंक ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है अफगानिस्तान देश को। विश्व बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय Washington DC में और अध्यक्ष इसके हैं डेविड मेल्पस। और विश्व बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1 बिलियन का ऋण दिया है। और विश्व बैंक का है IBRD, जिसमें अमेरिका के नए प्रतिनिधि बन गए हैं, इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो, जो कि हैं भारतीय मूल के, तो ये बने हैं अमेरिका के नए प्रतिनिधि। किस राज्य की सरकार ने RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, ये 19वें नंबर के गवर्नर थे, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो ये समिति गठित की है तमिलनाडु की सरकार ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और समिति का काम क्या होगा, तो जब कोविड-19 के बाद में लॉकडाउन खुलेगा तो उस समय या उसके बाद में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को फिर से बेहतर बनाया जाए या किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, इसके लिए तमिलनाडु ने यहाँ पर सी रंगराजन जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जैसे आपने सुना होगा पंजाब ने भी इसी प्रकार का एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तमिलनाडु की राजधानी आपको मिलेगी चेन्नई में, यहाँ के वर्तमान में CM है इडापड्डी के पलानास्वामी और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों पर किस दवा के परीक्षण को मंजूरी दी, तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है दो दवाओं के परीक्षण की, एक तो है फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और दूसरी है फेविपिराविर, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कोई कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति है तो इस व्यक्ति के ऊपर इन दोनों दवाओं का टेस्ट किया जाएगा कि क्या वह व्यक्ति इस दवा से रिकवर कर सकता है या फिर नहीं। तो बात करते हैं फेविपिराविर की, तो यह एक एंटी इन्फ्लुएंजा दवा है और दूसरी दवा है फाइटोफार्मास्यूटिकल जो कि पौधों से प्राप्त एक हर्बल दवा है, तो इनका प्रयोग किया जाएगा। कल ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्स भोपाल के बारे में, जिसके द्वारा माइकोबैक्टीरियम W नाम के दवा का एक पेशेंट के ऊपर सफल परीक्षण किया गया और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा है इसका भी एजिथोमाइसिन के साथ में कोविड-19 के इलाज में उपयोग किया जाता है। और कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था जापान की एक दवा है जिसका नाम है फेविपिराविर, क्या नाम है, फेविपिराविर, तो ये जो फेविपिराविर है इसके टेस्ट की अनुमति दे दी है DGCI ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को, किसे, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को। और एक दवा है इबोला की जिसका नाम है डेमिरिसविर करके ऐसे कुछ नाम है, तो उसको मंजूरी दी है USA के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ये दवाएं हैं, इनको आप कहीं अलग से लिस्ट में नोट कर लें। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वित्तीय संस्थान तक सरफाइसी एक्ट का विस्तार किया है, तो ये जो सरफाइसी एक्ट है 2002 का, इसे विस्तारित किया गया है सहकारी बैंक तक, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सरफाइसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब ये एक्ट लाया क्यों गया था, तो इस एक्ट के माध्यम से जो हमारे बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है और वो बदल जाता है NPA में, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे हम लोग गैर निष्पादित संपत्तियां कहते हैं, यानी कि जो चला जाता है बैंकों का धन लेकर के कोई भाग जाता है, जैसे नीरव मोदी भाग गए या फिर विजय माल्या भाग गए, तो इस प्रकार के धन का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए और किस प्रकार से दूसरे की संपत्तियां जब्त की जाए, उसके लिए ये कानून लाया गया था। तो अब इसे विस्तारित कर दिया गया है सहकारी बैंक तक भी। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी, इनकी अध्यक्षता में एक न्यायपीठ थी जिसके द्वारा यह निर्णय दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संगठन के साथ मिलकर एक स्मारक डॉक टिकट जारी किया, तो ये इन्होंने जारी किया है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल जो हमारा स्मॉल पॉक्स था, जिसे हम लोग चेचक के नाम से जानते हैं, तो यह 1980 में दुनिया से उन्मूलित हो चुका है। जो हमारा 19वीं शताब्दी था, 19वीं या 20वीं,
उसमें कुल मिलाकर के 300 मिलियन लोग यानी कि 30 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी इस बीमारी के कारण। तो 1980 में दुनिया से ये पूरी तरीके से उन्मूलित हो चुका है। तो ये थे इसकी 40वीं वर्षगांठ किसकी, स्मॉल पॉक्स की। तो इसी के अवसर पर WHO ने, जो संयुक्त राष्ट्र की डॉक एजेंसी है, इसके साथ में मिलकर के एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। और ध्यान रखिएगा 1796 में एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका भी विकसित किया गया था। और बात करते हैं अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। टेड्रोस अदनॉम इसके प्रमुख हैं। और अभी USA ने यह घोषणा की है कि हम अब WHO को कोई भी फंडिंग नहीं देंगे, जबकि चीन के द्वारा WHO को 30 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग भी दी गई है। और WHO ने 2020 का जो वर्ष है इसे मिडवाइफ और नर्सेज को डेडिकेट किया है। 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई, तो महाराणा प्रताप जी की 480वीं जयंती मनाई गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। तो मेवाड़ राज्य के ये 13वें राजपूत शासक थे और इनका निधन हुआ था 19 जनवरी 1597 को। ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये समझौता इन्होंने किया है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो समझौता हुआ है इसके अंतर्गत जो भी जनजातीय उद्यम है ना केवल उनको बढ़ावा देगा आर्ट ऑफ लिविंग, बल्कि इसके साथ साथ जो भी संगठन के कार्यक्रम होंगे उनमें भी ये सहयोग करेगा। और ट्राइब्स इंडिया के जो भी कारीगर हैं उनको मुफ्त राशन किट देने की भी घोषणा की है आर्ट ऑफ लिविंग ने इस समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर के दौरान। ट्राइफेड की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे जनजातीय मामलों के अधीन है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो ये है अर्जुन मुंडा, जो कि भारतीय तीरंदाजी संघ के भी नए अध्यक्ष बन गए हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो यह एक NGO है जिसके संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी। USA की निजी फर्म जिसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर, तो इसने किस टेलीकॉम कंपनी में 2.32% यानी कि कुल मिलाकर के 11,367 रुपए की हिस्सेदारी खरीद ली है, तो ये इन्होंने खरीदी है रिलायंस जियो में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है सिल्वर लेक, इन्होंने भी 5,656 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी और फेसबुक के द्वारा रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की भी घोषणा हुई है। तो ध्यान रखिएगा रिलायंस जियो में इन तीन कंपनियों ने हिस्सेदारी खरीदी है। किस वाहन कंपनी ने ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत की है यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को महिंद्रा की कोई गाड़ी खरीदनी है तो वह ऑनलाइन पसंद कर सकता है और उसे परचेज कर सकता है। एक्सचेंज की सुविधा भी मिलेगी यानी कि पुरानी गाड़ियों को एक्सचेंज कर सकता है। गाड़ियों के लिए एक्सेसरीज भी वह खरीद सकता है और बीमा आदि चीज़ें भी कराने की सुविधा इस ओन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। महिंद्रा ग्रुप की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी 1945 को, मुख्यालय इसका है मुंबई में और CMD है आनंद महिंद्रा। चलिए आपके लिए एक थोड़ा सा टफ प्रश्न है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस वर्ष तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है। किस संस्थान द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए कंपेडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया है CSIR ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर CSIR के जो डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे, तो इनके द्वारा कंपेंडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज फॉर कम्बैटिंग COVID-19 और इसमें 3T का भी यूज़ किया गया है। 3T का मतलब है ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग। तो ये जो कंपेडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज है इसका निर्माण राष्ट्रीय शोध विकास निगम के द्वारा किया गया है। अब ये है क्या, तो यह एक प्रकार की बुक आप कह सकते हैं जिसमें COVID-19 से संबंधित 200 तकनीकें जो भारत में यूज की जा रही हैं उनके बारे में बताया गया है।
जो भी भारत में शोध चल रहे हैं उनके बारे में दिया गया है। वाणिज्य के लिए यानी कि इसके कॉमर्शियलाइजेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया गया है। सरकारों के द्वारा किस प्रकार के पहल शुरू किए गए हैं या कोविड-19 से निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इन सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। CSIR की बात करते हैं तो 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और CSIR के अध्यक्ष हैं हमारे PM नरेंद्र मोदी। और CSIR का जो IGIB है इसके द्वारा फेलुदा नाम का एक टेस्ट किट भी डेवलप किया गया है और इसके मास प्रोडक्शन के लिए इन्होंने टाटा सन्स के साथ में समझौता भी किया है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम। जर्मनी में जो 56वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया इसका विषय था रेस्टलेसनेस। क्या था? वेस्टलेसनेस, ये इसका विषय था। स्वदेशी गायों पर शोध के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा इसका नाम है सूत्रपिक। क्या नाम है? सूत्रपिक। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान इसका नाम भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के CM मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है। अप्रिशिएट एंड कमेंड योजना जो है ये शुरू की गई है पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा। और कल काफ़ी कम लोगों ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया था। देखिए अगर आप लोगों को ढंग से ना पढ़ना हो तो आप लोग बता सकते हैं, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जो ये करंट अफेयर की क्लासेज है इसको हम लोग बंद ही कर दें। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें और कोशिश करें कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा 10वीं के छात्रों के लिए पदोन्नति की घोषणा की गई यानी कि उन्हें बिना एग्जाम के ही अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। भारत और चीन के जो सैनिक हैं इनके बीच में अभी एक झड़प हो गई है, तो ये झड़प किस राज्य में हुई है यानी कि कहाँ पे यह झड़प हुई है उसके बारे में आपको बताना है। एटलस और स्वान ये दोनों अभी समाचारों में हैं, तो ये क्या हैं? अबी अहमद अली किस देश के PM है और पैडल फिश को किस देश से विलुप्त घोषित किया गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।